नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। किसानों का बैलगाड़ी प्रदर्शन, बैलगाड़ियों से कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान, बोले 4 साल हो गए, कहां गए वादे, न गन्ना भुगतान हुआ न हुई आय दुगनी। भारतीय किसान यूनियन का रामपुर में अनोखा प्रदर्शन। रामपुर में भारतीय किसान यूनियन ने अनोखा प्रदर्शन किया। यहाँ किसान बैलगाड़ी लेकर कलेक्ट्रेट पहुँचे। ये प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन ने किया। किसानों का कहना था कि सरकार के वादे पूरे नहीं हुए, कहा था कि सरकार आएगी तो 10 दिन में गन्ना भुगतान होगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, बिजली पानी फ्री होगा। ये वादे याद दिलाने के लिए प्रदर्शन किया गया है। अगर किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वोट के हथियार से किसान इसका जवाब देगा। समाचार टू जेड के लिए रामपुर से राहत अली की रिपोर्ट। आज आप कलेक्ट्रेट पर बैलगाड़ियों से किसान आए हैं, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है, सरकार के 4 साल पूरे हो गए और सरकार ने जो हमसे वादा किया था उस वादे को याद कराने के लिए आए हैं, उन्हें दिलाने के लिए। जैसे उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी, हम 10 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, हमारी सरकार आएगी, हम किसान की लागत का 50% मुनाफा जोड़ के देंगे, हमारी सरकार आएगी, हम डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, हमारी सरकार आएगी, हम किसानों को मुकम्मल कर्जा माफ़ करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम हरियाणा के तर्ज पर बिजली पानी आपको फ्री देंगे। सभी इन्हीं मांगों को माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराने के लिए डीएम साहब के द्वारा ये ज्ञापन भेज रहे हैं और उन्हें याद दिला रहे हैं उनकी बातों को। जी, परमिशन का मामला भारतीय किसान यूनियन जब से बनी 84 से लेकर आज तक कहीं परमिशन नहीं होती, ना हमने परमिशन लेने की ज़रूरत है। भारतीय के देश का किसान है, देश का अन्नदाता, इसी के लिए पूरा सिस्टम काम करता है, इसी के लिए शासन और प्रशासन काम करता है। तो क्या ज्ञापन दिया जाएगा? कोई ये सियासी लोग कोई है या अपनी वोट की राजनीति करने के लिए कोई आए? अगर वोट की राजनीति करने के लिए आएंगे तो जरूर हम को लेना पड़ेगी परमिशन। अगर किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता है, आप क्या कदम उठाएंगे? देखो, किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता, दो किसान के पास तो एक ही हथियार है, उसके पास है नहीं, वोट ही उसका हथियार है। 2019 आ रही है, 2019 में उन्हें पता चल जाएगा। ठीक है।